हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनय शाक्य। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत 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 शुक्रगुजार हूं 1000 सब्सक्राइबर्स करने के लिए, बनाने के लिए, मुझे वहां तक पहुंचाने के लिए। दोस्तों, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि एक से बढ़कर एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा, तो आज मैं आपको आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूँ। मेरे साथ आप जिनको देख रहे हैं, जो खूबसूरत चेहरे देख रहे हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपके साथ करवा के देता हूँ। आप है संजीवनी। संजीवनी प्रोफेशनल एक्टर है और लेट्स एक्ट टीम मेंबर है। अनुराग श्रीवास्तवा, वो भी लेट्स एक्ट के टीम मेंबर्स है, उनको भी मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। आज आपके साथ वही बात करेंगे, वही आपको कुछ टिप्स देने वाले हैं। आप है वान्या जी। वान्या पेंटर है, प्रोफेशनल एक्टर है और उनका अपना प्रोडक्शन हाउस है, जिसके ज़रिए इन फ्यूचर आपको, मुझे, हमारे सभी स्टूडेंट को वो काम देंगे ना? जी ज़रूर। तो दोस्तों, अभी अनुराग जी आपको कुछ चीज़ें शेयर करने वाले हैं रिगार्डिंग शुद्ध उच्चारण और भाषा। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं उनके बारे में। उन्होंने जगजीत सिंह जी को एक एल्बम डेडिकेट किया था ब्रिज फिल्म्स के ज़रिए, जिसका नाम है जगजीते, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा था क्योंकि मैंने उसमें आपको देखा। क्या बात है, दैट्स ग्रेट। तो वेलकम तीनों का भी। हमारे व्यूअर्स तालियां बजाए ना बजाए, मैं आपके लिए तालियां बजाता हूँ। ओके, ग्रेट। तो दोस्तों, कोई पंजाब से है, कोई हरियाणा से है, कोई यूपी से है, कोई महाराष्ट्र से है, साला दिक्कत ये आती है कि हम जब बोलते हैं तो अपना जो टोन है वो बता देता है कि हम किस प्रांत से हैं। लेकिन अलग अलग कैरेक्टर मिलते हैं, उन अलग कैरेक्टर को उसी तरीके से बोलना होता है। तो हमारे पास एक ऐसे डॉक्टर है जो आपको भी टिप्स देंगे, हमें भी टिप्स देंगे। दोस्तों, मैं एक्टिंग ट्रेनर हूँ, शुद्ध उच्चारण और भाषा, उसके लिए मेरे इंस्टीट्यूट में भी, स्टूडियो में भी मैं फैकल्टी होते हैं हमारे, जो ट्रेन करते हैं। खैर, अनुराग जी वो प्रोफेशनली किसी को सिखाते नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती मैंने उनको पकड़ लिया, इसीलिए आप इस फ्रेम में कैमरे को भी देख रहे हैं और उन्हें भी देख रहे हैं। मैंने कहा कि मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे 1000 लेवल तक लेकर आए हैं, आगे भी मुझे 5000 तक जाना है, तो आपकी मुझे हेल्प चाहिए। आप कुछ चीज़ें शेयर करो। कहते हैं ना दोस्तों, सुनार के हाथ से ही, वही वाली बात है। तो बहुत बहुत वेलकम सभी का। अनुराग, आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे शुद्ध उच्चारण और भाषा, डिक्शन जिसे कहते हैं जी, उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या होगी, कैसे उन्होंने घर बैठे काम, खुद पर काम कर सकते हैं और खुद को सुधार सकते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको फिल्म इंडस्ट्री में आना है, तो आप अपने स्टाइल पे काम करते हैं, कॉस्ट्यूम पे काम करते हैं, और आपको लगता है कि बॉडी वॉडी होनी चाहिए हमारी। उसी तरह भाषा भी एक बहुत अहम हिस्सा है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल। आप ये मान के चलिए कि आपकी डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर उच्चारण ही शुद्ध नहीं है तो वहाँ पर क्या होगा कि मज़ा किरकिरा हो जाएगा, और फिर लोगों को लगेगा कि यार ठीक ठाक है, और मतलब काम चलाओ चीज़ होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, ये ज़ोरदार चीज़ रहे, मतलब इम्प्रेसिव डायलॉग्स मेरे लगें, तो उसके लिए ख़ुद पे मेहनत करनी होगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कुछ लोगों ने सिर्फ इसे हवा बनाया हुआ है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। ओके। तो आप छोटी छोटी चीज़ों पर, जैसे आप, एक बच्चा होता है वो कहाँ से सीखता है, अगर आप देखिए तो उसको कोई भाषा नहीं आती है, वो सिर्फ जो है अपने आसपास का जो माहौल होता है, उसके माता पिता के बीच में, उसके दोस्तों के बीच में, वो वहाँ से सीखता है। हम अगर वहाँ से सीखें तो बहुत जल्दी सीखेंगे, किताब से भी ज़्यादा जल्दी सीखेंगे। तो ये किताब हमें ज्ञान दे सकती है, लेकिन सिखाने का काम जो होता है, मतलब आप ये समझिए कि माहौल एक बहुत अच्छा गुरु हो सकता है हमारा, अगर हम उसका सही इस्तेमाल करें तो। तो सबसे पहले तो ये है कि अब ये प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, तो ज्ञान की बात हो गई, अब हम सीखेंगे कैसे, करें क्या उसके लिए। एग्जैक्टली, फर्स्ट स्टेप क्या होगी, फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि मतलब मुझे बताएगा कौन। तो एक चीज आप ये ध्यान रखिए कि अगर आपको ये पता हो कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आप बहुत और भी जल्दी सीख सकते हैं। ओके। तो अब गलती के लिए क्या है कि जब आप सुनते हैं, आप सीरियल्स देखते हैं, अगर आप इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है फिल्में देखते होंगे, आप सीरियल्स देखते होंगे, तो जिनको आप एडमायर करते हैं कि नहीं यार, आपको लगता है कि ये मतलब ये स्टैंडर्ड है भाषा के लिए,
जैसे आप, मैं नाम लेना चाहूँगा कि अगर आप उर्दू सीखना चाहते हैं तो आप नसीर साहब के प्रोनंसिएशन आप देख लीजिए. अब कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अपने में एक इंस्टीट्यूट हैं, कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं, उनमें मैं नसीर साहब का नाम ज़रूर लेना चाहूँगा. बिल्कुल. कि उनका मिर्ज़ा गालिब एक सीरियल था, उस पर आप देखिए तो आपको लगेगा कि मतलब एक्टिंग के अलावा, मतलब उसका मतलब उस सीरियल में जो सबसे बड़ी चीज़ थी एक्टिंग के साथ साथ भाषा. कि मतलब वो वैसे थे नहीं, उसके लिए भी उन्होंने बहुत मेहनत की. मैंने सुना ऐसा गुलजार साहब के लिए, उन्होंने बहुत थैंकफुल गुलजार साहब के लिए वो रहे कि उन्होंने ऐसा मौका दिया और वो सीख सके इसको. तो सोचिए जब इतना बड़ा इंसान, इतने परफेक्ट आर्टिस्ट जब सीख सकते हैं तो हमारी आपकी क्या बिसात है. एग्जैक्टली. अनुराग, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ दर्शक की तरफ से भी, और शुरू में मेरी भी ये दिक्कत थी कि मैं जिस प्रदेश से थी उसका टोन आता था एंड डिक्शन तो गड़बड़ थी ही. तो उस समय में मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि इसे इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जाए. जैसा कि आपने बोला कि माहौल का बहुत असर पड़ता है हमारे ऊपर, तो हम बचपन से जिस माहौल में रहते हैं हम सुनते सुनते उसी को डेवलप कर लेते हैं और जिसे सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता है. लेकिन एक्टिंग में तो ऐसा चलेगा नहीं, क्योंकि कैमरा पे हमें परफेक्ट बोलना है. तो आप क्या सजेशन देंगे जिसको माहौल नहीं मिल पाता? उसके लिए यही चीज़ है, मतलब अगर गौर किया जाए तो आपका जवाब आपके सवाल में ही है, माहौल. अगर आपको, आपने जैसे कहा कि बचपन में जो माहौल आपका था उसकी छाप आज भी आ रही है, तो आप यहाँ पर ऐसा माहौल क्रिएट कीजिए, ऐसे लोगों के बीच उठिए बैठिए जिनके तलफ़ बहुत अच्छे हों, जिनके प्रोनंसिएशन क्लियर हों. तो क्या होगा कि कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ें आप सीख सकती हैं उनसे. जैसे अब किसी ने बोला कि आप उर्दू जो शायर हैं उनके बीच अगर आपका उठना बैठना है, आपके माहौल में ऐसे लोग हैं जो शेर व शायरी करते हैं, तो उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. लेकिन अगर हम वो माहौल नहीं ला पाए किसी कारणवश जी, तो फिर हम खुद पे, खुद से किस तरह से उसे इम्प्रूव कर सकते हैं? देखिए कुछ एक्सरसाइज हैं जैसे आप खुद से कर सकती हैं. पहले तो दो तीन चीज़ें आपको पता हों. जैसे उर्दू की मैं बात करूँ अगर, तो एक समझिए कि कोई भी भाषा होती है उसका एक अपना मज़ा होता है. लेकिन अब क्या है कि अब उर्दू के कुछ लफ्ज़ सीखने के लिए अगर हमें पूरा मतलब सीखना पड़े उसका, जैसे हिंदी में काका गागा होता है उसी तरह उर्दू में अलिफ बे ते टे से, हाँ लॉन्ग प्रोसेस हो गई. तो यहाँ पर जो है लोग थोड़ा सा कहेंगे यार छोड़ो यार मैं नहीं सीख पाऊँगा. लेकिन उतना सीखने की मतलब ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि ज़रूरत नहीं है, अभी नहीं है फिलहाल. इनिशियली आप 3-4-5 चीज़ें याद रखिए. जैसे दोस्तों ये नोट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर अभी आए हैं जी. जैसे कि हम हिंदी से शुरुआत अगर करें तो काखा गा हम बोलते हैं, तो कुछ चीज़ें याद रखिए. जैसे कि का हो गया, का खा गा जा और फा, ये पांच चीज, ये पांच चीज़ें ऐसी हैं अगर इस पे आपने काम कर लिया तो हिंदी, हिंदी के लिए मैं बता रहा हूँ, उर्दू के लिए नहीं, हिंदी के लिए आपने समझिए 75% आपने जंग जीत ली. ओके जी. अब उसका ये है कि मतलब ऐसे तो सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इस पे छोटी सी चीज़ गौर करने वाली बात ये है कि जैसे हम बोलते हैं का, नॉर्मली हम क्या बोलते हैं बच्चों को भी सिखाते हैं काका गागा, हमने ये बोला का, जैसे ये काम करो, ठीक है. अब उसी तरह हमें ये तो ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर हमें जोर देना है उस पर, मतलब उसको हम हिंदी के हिसाब से बोलते हैं नुक्ता, कि वहाँ पर नुक्ता लगेगा या नहीं लगेगा. तो अगर आप देखिए तो यहाँ दो चीज़ें हैं, एक तो प्रैक्टिस और दूसरी नॉलेज. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको पता तो है या कि यहाँ पर नुक्ता लगेगा लेकिन वो उनको लगाना ही नहीं आता है. इसका मतलब क्या है? प्रैक्टिस में कमी. कुछ लोगों को ये है कि नुक्ता लगाना तो है लेकिन यही नहीं पता कहाँ लगाना है. ऐसे अगर उन्होंने उनको कहना है तुम कुछ काम कर लो तो वो गलत हो गया. तो नॉलेज ये कहती है कि काम में नुक्ता नहीं लगेगा, ठीक है. और काबिल, जैसे मैं काबिल बोल रहा हूँ तो काबिल में नुक्ता लगेगा. तो वो कैसे बोलेंगे? जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं काबिल, आप काबिल 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 बोला, ठीक है. अब इसको थोड़ा सा और पीछे से बोलेंगे, जैसे कि आपने माय नेम इज़ खान देखी होगी तो वहाँ बोलते हैं ना शाहरुख खान की खान भाई एपिग्लॉटिस एपिग्लॉटिस. तो भाई एपिग्लॉटिस का आपको यहाँ इस्तेमाल करना है और बोलना है काबिल. क्या बोलना है?
काबिल काबिल हाँ. तो जनरली हम समझते हैं कि हमें टीथ टंग का ही यूज करना है एंड तालू जो है उसे यूज करना है, लेकिन गले का भी यानी कि ग्लॉटिस का भी यूज करना है. जी हाँ जी हाँ. क्या होता है कि हमारे हमारे मतलब जिसको कहें कि मुंह में अलग अलग जगह हर शब्द के लिए हर अक्षर के लिए अलग अलग जगह बनी हुई है. अगर वहीं से हम उस चीज़ को बोलेंगे तो प्रॉपर प्रोनंसिएशन निकलेगा. ओके okay. जैसे मैंने आपको का के लिए बताया, उसी तरह आप कहते हैं का के बाद खाते हैं. हमने कहा कि जैसे ये हो गया कि वही तुमने खाना खा लिया, अब यहाँ पर नुक्ता नहीं लगेगा. और यार मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई, अब यहाँ पे क्या है खराब खराब. ठीक है, एक होता है खराब एक होता है खराब. जैसे गले में खराश आती है ना वो चीज, ये एग्जैक्टली तो ये खराश चाहिए वहां पर. हाँ. अब वो कितना है उसको भी बैलेंस करने की जरूरत है. जैसे हम कहना चाहते हैं खराबी, ये भी गलत हो गया. तो खराबी भी नहीं आनी चाहिए और खराबी भी नहीं आनी चाहिए. मतलब कि खराबी बहुत प्यार से सहलाते हुए छूते हुए निकल के जाना है उसको. क्या हो गया खराबी. अब आते हैं गा पे. काखा हो गया गा. गा का ऐसा है जैसे हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ ये ले लीजिए कि गाना मत गाओ, यहाँ पर नुक्ता नहीं है. लेकिन हम कहते हैं गालिब का शेर मुझे बहुत अच्छा लगा. अब गालिब में नुक्ता है ओके. लेकिन अब गालिब भी कैसे कहेंगे, इसकी भी एक जगह एक प्लेस है. जब हम क्या करते हैं गर्म पानी लेते हैं गरारा बैठ जाता है गरारा करते हैं, तो वहाँ से गालिब निकलेगा. वैसे तो गालिब तो दिल में बसते हैं, दिल से निकलेंगे लेकिन वहाँ से प्रोनंसिएशन निकलेंगे. वो गालिब का प्रोनंसिएशन सही वहीं से निकलेगा. अनुराग बहुत अच्छे राइटर भी है. अरे सर वो हाँ. हालात ने बना दिया उनकी, उनकी मतलब क्या क्या बताओ ऐसा है लेकिन ठीक है. फिलहाल अगर सिखाने पे कहूँ तो बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स हैं. एक थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ यहाँ पर. हाँ हाँ बोलिए. और एक बड़े ही मशहूर शायर हैं वसीम बरेलवी साहब. ओके. उनका एक शेर मैं पढ़ना चाहूँगा. बिल्कुल इरशाद. हाँ अपनी इसी सीख पर है. हाँ. और जो मुझे कहते हुए मतलब सुनाते हुए बड़ा फख्र महसूस हो रहा है. हाँ. उन्होंने कहा था कुछ ऐसा कि खासकर उर्दू के ऊपर गौर कीजिएगा कि तेरी नफरतों को, तेरी नफरतों को प्यार की खुशबू बना देता. तेरी नफरतों को प्यार की खुशबू बना देता, और मेरे बस में अगर होता तुझे उर्दू सिखा देता. वाह वाह वा, वा, क्या बात है. मेरे बस में अगर होता तुझे उर्दू सिखा देता. तो फिलहाल मेरे बस में है यहाँ सिखाना और तो मैं सिखा रहा हूँ. सिखा रहा हूँ जी. आपसे उर्दू सीखी जी. तो हम हमने का सीख लिया, खा सीख लिया, अब गा. गा के लिए था हमने कहा कि गालिब. अब एक अगर हम प्रैक्टिस करें गालिब और गालिब, गालिब और गालिब, गालिब, तो क्या होगा कि जैसे कोई भी चीज़ हम करते हैं बचपन में, जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो कुछ बहुत मतलब वो बहुत गाढ़ी हो जाती है. तो शुरू में हो सकता है जब आप गालिब कहें तो बहुत ज़्यादा निकले, गालिब ऐसा निकले, परेशान होने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है. एक बार आ गई वो जगह आपको मिल गई जहाँ से गालिब निकलना है, फिर बैलेंस करने की ज़रूरत है उसको. आपने बैलेंस कर लिया कि अब यार गालिब नहीं होगा, अब गालिब होगा. ठीक है चलिए ये काखा गा हो गया. अब आते हैं ज़ा पर. अब ज़ा का इस्तेमाल ऐसा है कि इसको इस्तेमाल करते करते हमने हिंदी में भी इंग्लिश में भी हाँ. स्वीकार कर लिया है. एक्चुअली बहुत कंफ्यूजन होता है हाँ. ज़ा को लेके. कभी ऐसा कुछ है, कुछ शब्द ऐसे हैं जो हिंदी में ज़ा सेम वर्ड उर्दू में नुक्ता लग जाता है और हिंदी में नुक्ता नहीं लगता, वर्ड सेम रहता है जी. तो वहाँ बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है. तो यहाँ पर देखिए जो आप कह रही हैं कहाँ पर लगेगा कहाँ पर नहीं लगेगा, ये काम है किताब का, ये काम है किसी गुरु का सिखाने का, कि उसके लिए वो नॉलेज हो गई ना. ये प्रैक्टिस नहीं, अगर आपको पता ही नहीं है कि मतलब प्रैक्टिस करके भी आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन आपको अगर ये नहीं पता है कि गालिब में नुक्ता लगेगा कि नहीं लगेगा, आप समझ रहे हैं ना. तो नॉलेज एक अलग चीज़ है, प्रैक्टिस एक अलग चीज़ है. मैं ये जो भी चीज़ें बता रहा हूँ ये उसके लिए है जिसको पता है यहाँ पर नुक्ता लगेगा लेकिन फिर भी उससे नहीं लगता. अच्छा सही. क्योंकि आप अगर आप एक्टर हैं तो आपके पास अगर आपको बड़ी फिल्म मिली हुई है तो असिस्टेंट डायरेक्टर होगा जो आके आपको बताएगा साहब ये बैकग्राउंड है उसका फिल्म का, ये इसमें ऐसा हुआ था, ये मुग़ल शासन के दौर की ये बातें हैं, कुछ भी ऐसा बताएगा आपको तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा. लेकिन भाषा की बात, वो अगर अच्छा राइटर होगा कोई
तो ये बताएगा कि यहाँ पर जो है नुक्ता लगेगा कि नहीं लगेगा, अगर उसने भाषा पे काम किया होगा तो सही है। तो प्रैक्टिस ये हो गई। तो खैर हमने क्या सीखा, का खा गा। अब आते हैं हम जा पर या जा पर। अब यहाँ पे ये जैसे मैंने कहा इंग्लिश में एक्सेप्ट कर लिया और हिंदी में भी जैसे हम हिंदी का उर्दू में जैसे एक कॉमन वर्ड है ज़रूरत। अब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमें लगता है हिंदी होगी लेकिन एक्चुअली वो उर्दू होती है। उर्दू होती है। जैसे अगर हम हिंदी की बात करें तो वो आवश्यकता है, ज़रूरत जो है वो उर्दू है। लेकिन क्या होता है कि हम बहुत मतलब हम हिंदुस्तानियों की एक बहुत अच्छी आदत है, हम किसी को भी अपना लेते हैं। तो उसी तरह जो है हमने उसको भी हमने उर्दू से कहा चलो वहाँ मत बैठो, आ जाओ हमारे साथ, आ जाओ हमारे कैंप में, आ जाओ, हमने उसे ले लिया। अब ज़रूरत, अच्छा ये ज़रूरत वर्ड मैंने क्यों बोला, जैसा कि सर ने अभी बताया यहाँ पर कि कुछ बता दिया मैं राइटर हूँ, मैं ये हूँ, मैंने वो किया है, तो ये क्या है कि ऐसा बहुत ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मैं अपना बस काम करता हूँ और यही उनका बड़प्पन है। नहीं नहीं और नहीं मैं अपनी गलती यहाँ बताना चाहता हूँ एक्चुअली। ओके ओके। कि बस ये है कि मैंने बचपन से ही मतलब ऐसा नहीं कि बचपन से मेरी भाषा बहुत अच्छी थी या आज भी मैं कहूँ बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है, मुझ में भी कमियाँ हैं, लेकिन यह है कि आप समझिए कि मैं बचपन से ही जरूरत बोलता था। जरूरत जरूरत मुझे पता ही नहीं था। अब उसमें भी बड़ा कॉन्फिडेंट था, मतलब जब क्रिकेट खेलता था तो तुम्हें यहाँ खेलने कोई जरूरत नहीं है, हम अपनी गलती कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, वो बचपना था। खैर तो वो जरूरत वाली चीज थी, लेकिन जब मैंने काम करना थोड़ा प्रोफेशनली शुरू किया, खासकर जब मैंने बड़े बड़े शायरों को पढ़ा जब मैंने, तो मुझे लगा कि नहीं यार ये जरूरत नहीं जरूरत होती है। तो मुझे सबसे बड़ा एहसास मतलब वहीं पर मुझे एहसास हुआ कि ये सीखने की जरूरत है, जरूरत। अब यार सीखने की जरूरत नहीं है, जरूरत है, जरूरत है। तो वो जो जरूरत थी वो मेरी आज तक चलती आई। खैर तो इस कहानी के बाद हम जरूरत पे आते हैं। अब क्या है कि जैसे कि जा और जा, जा और जा, ये क्या है कि हम सिर्फ अपने टंग का यूज कर रहे हैं अलग अलग। कि जब आप बोल के देखिए जब जा बोलते हैं तो आपकी टंग अलग जगह पे होती है सर, और जब जा बोलते हैं तो थोड़ी सी ऊपर आ जाती है। ओके ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ है, अगर आपको ज़रूरत बोलना है तो उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। ज़रूरत जरूरत, जा बोलने सम जा को बोलते समय आप देखेंगे टंग थोड़ी सी अपर जॉ की तरफ, अपर जॉ की तरफ जाएगी, अपर लिप की तरफ जाएगी, और जा बोलते समय नीचे आएगी, और ये खुद को महसूस होगा आपको। ये मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ कि नहीं, ऐसा ही होता है बिल्कुल। ठीक है। तो ज़रूरत अब इसको, अच्छा एक ऐसी चीज़ है जैसे कि हर आदमी के सीखने का अपना एक तरीका होता है। तो मैं अपना तरीका बता सकता हूँ कि बचपन में मैं कैसे करता था, कि मुझे लगा यार सीखना तो है और किसको मैं पकाऊँ कि मुझे सिखाओ, कोई मिलेगा नहीं ऐसा, और गलत कैसे करूंगा या सही कैसे करूंगा बताएगा कौन। तो मैं जो करता था, ठीक है, जैसे कहते हैं कि आप अपने बेस्ट क्रिटिक होते हो, अगर आप इम्पार्शियल जजमेंट है आपका अपने लिए, तो मैं क्या करता था, जैसे मैं मुझे खराब बोलना है खराब, तो मैं अपने मुंह के सामने हाथ करता था ऐसे, बोलता था खराब खराब, तो मेरी ही आवाज मुझे टकरा के आती वापस। हाँ तो हमारा क्या क्या हो गया, का खा गा जा, और अब हम आते हैं फा पर। हाँ फा पे मुझे भी प्रॉब्लम था। आपको? हाँ जिसमें जैसे फिर जी वो नहीं बोल पाती थी मैं। रेगुलर यूज में हम कैसे फिर कितने बार यूज करते, दैट इज फिर और फिर होट सटेगा या नहीं सटेगा, नहीं सटेगा, दैट इज कंप्लीटली कंफ्यूजन। आई वाज ओके। देखिए यहाँ पर भी जैसे मैंने सबके लिए बताया वही चीज़ है कि नॉलेज, अगर आपको यहाँ पता है कि फिर होगा या फिर होगा, हाँ। तो नॉलेज अगर आपको है कि यहाँ पर फिर बोलना है और आप नहीं बोल पा रही हैं, तो फिर से यहाँ पर बात प्रैक्टिस की है। लेकिन एक बहुत छोटी सी चीज़ फा और फा, बहुत टेक्निकल चीज़ है लेकिन कोई हवा नहीं है, आप अभी कर सकते हैं 2 मिनट 2 सेकंड के अंदर भी। देखिए जैसे कि जब आप फिर बोलते हैं, फिर आप बोलेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लोअर लिप और अपर लिप जो है मिलते हैं दोनों। फिर बोल के देखिए, फिर है ना। हाँ। और जब आप फिर बोलते हैं, आप अगर नक्शा भी देखेंगे आपके चेहरे कैसे बनता है होठों का, तो फिर यानी कि अपर जॉ और लोअर लिप मिलते हैं, फिर
फिर जब बोलना है तो अपर जॉ और लोअर लिप मिलेंगे तो फिर आएगा, और अगर आप लोअर लिप अपर लिप को मिला लेंगे तो फिर आएगा, सिंपल। अब ये तो हो गई प्रैक्टिस की बात, अब इसकी प्रैक्टिस हमें करनी है फिर बच्चन साहब ने कहा कच्चा पापड़ पक्का पापड़ याराना में, ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है। और कोई हंसने वाले मतलब कि कोई हंस रहा है क्या कर रहा है, क्योंकि हम ये सीखने के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल। तो अगर हम वाकई हम सीखना चाहते हैं तो हमें गिरने के लिए तैयार रहना होगा, ठीक है। तो ये फिर का चक्कर है, और जैसा कि अब ये चार पांच चीजें जो मैंने बताई हैं इनकी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो प्रैक्टिस के लिए हो गया। अब बात आती है नॉलेज की, कि हमें नॉलेज कहाँ से मिलेगी, तो उसके लिए यही कहना चाहूँगा कि कोई भी जो किसी भी उसमें क्या कहते हैं, किसी भी भाषा की मैं अगर बात करूँ, उसकी जो सबसे सबसे क्रीम पार्ट जो उसका होता है वो पोएट्री में यूज़ किया जाता है। वाह, यस। तो पोएट्री आप अगर पढ़ेंगे, जैसे उर्दू के कुछ पोइट्स हैं, जैसे कि आप सबसे पहले आप गालिब, आप गालिब को पढ़ सकते हैं, मिर्ज़ा गालिब हो गए, मीर तकी मीर हो गए, फिराक गोरखपुरी हो गए, और इन लोग को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा कि एक इनकी रचनाएं जो हैं, इनके जो अशार हैं वो अपने में एक इंस्टीट्यूट हैं। आप उसको अगर समझिए, आपको एक समझ में आ गया, एक शेर समझ में आ गया, तो एक शेर समझने के साथ साथ आपको कम से कम 10 से 15 बातें नई सीखने को मिलेंगी। तो आप मतलब प्रोज भी पढ़िए, पोइट्री भी पढ़िए, और ये क्या कहते हैं उर्दू की अगर आप पोइट्रीज पढ़ती हैं, इन शायरों को पढ़ते हैं, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इसमें जी। और प्रैक्टिस करते रहिए, लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस से ही तो सब, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। या ग्रेट, क्या बात है जी। तो दोस्तों उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर की है, पांच ना आई थिंक, हाँ पांच, पांच पांडव, पांच पांडव। एक बार, एक मिनट, अभी सर ने जब बोला तो मुझे याद आया पांच की बात कर रहे हैं, और ये देखिए ये पांच चीज़ें आपके अपने हाथों में हैं। वाह, एग्जैक्टली, आपके हाथों में, यानी इसके लिए कोई टीचर नहीं चाहिए, मतलब एक तरह से देखा जाए तो मैं भी नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए यहाँ पे, ये मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ आईना हूँ जो आप अपना अक्स मुझ में देख रहे हैं, बस और कुछ नहीं। मैंने इसीलिए बताया कि मैंने भी गलतियाँ की थी और अभी भी कर रहा हूँ, खूब जम के कर रहा हूँ, और इसीलिए खूब जम के सीख रहा हूँ। तो ये पांच जो है जब मिलेगी तो ये मुट्ठी बनेगी, यानी डिक्शन का पावर मिलेगी। हाँ, ताकत बनेगी जी। अभी प्रैक्टिस करते रहिए, है ना? बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि उन्होंने आपके साथ कुछ बातें शेयर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बात उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बताई जो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इसी के साथ साथ आप किताबें पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, पोएट्री जैसे उन्होंने बताया वो है, रेडियो चैनल सुनिए, वहाँ पर भी गलतियाँ हो जाती है क्योंकि वहाँ के भी मास्टर यही है। नहीं नहीं सर, ऐसा तो नहीं अभी है। वो उसका उनका एक अलग एक्सपीरियंस है, वो कभी फुर्सत में हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसके साथ साथ कुछ स्क्रिप्ट्स है, जैसे कि ज के लिए, ख के लिए, वो स्क्रिप्ट से भी आप इम्प्रूव हो सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि पता चले कैसे कि गड़बड़ कहाँ है, जैसे ज़बरदस्ती ज़बरदस्त दाम मांग रहे हैं, ज़रा ज़रा सी ज्यादती ज़बरदस्त दंगा खड़ा कर देती है, ज़ोर ज़ोर से ज़ोर आजमाओ, ज़रा सी ज़बरदस्ती ज़मानत पे ज़माने के सामने जलील कर देगी, ज़र्रा ज़र्रा आवाज़ लगाता है, ज़िंदगी एक आईना है, ज़रा सा मुस्कुराओ ज़माने भर की खुशियाँ आपको उसमें नज़र आएगी, मगर नज़र चाहिए। तो ये ज़ की है, ख की है, खाना खाने के बाद खुशी हुई, खूबसूरत और खुशबूदार खाना खाकर वाकई आदमी का खून बढ़ जाता है, ख़राब खाना खाकर हमारा तो खून खोल उठा था, एक बार खाना था कमबख्त खरगोश खौलाया हुआ, दाल में खास तौर से डाली हुई खसखस, खाने में ढककर रखे हुए खरबूजे, तितर जिसकी खाल सड़कर खाक हो गई थी, खुदा कसम ऐसा खाना खाकर अच्छा खासा आदमी खोता बन जाए। तो ये ख का है, ज का है, श का है, शराब पीकर शाम को शामियाने में सामने शराबी का शानदार शाहकार पेश किया, शर्म आनी चाहिए शहर के शराबियों को जो शान से शालीमार की शलगम की शराब पीते हैं और बेतहाशा शुरू हो जाते शरारत करने को, शाबाश श्याम शाबाश। तो ये अलग अलग स्क्रिप्ट है, मुझे नहीं लगता मैंने भी सही बोली है, जैसे कि मैंने पहले क्लियर किया मैं डिक्शन टीचर नहीं हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, लेकिन दोस्तों इस तरीके के कुछ स्क्रिप्ट्स है जो हम हमारे स्टूडेंट के साथ उस पर काम करते हैं एक्टिंग स्कूल में। सो क्या होता है कि अब वो स्क्रिप्ट तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ये पता कैसे चलेगा कि एग्जैक्टली क्या बोलना है, क्योंकि अनुराग जी की तरह आपके पास वहाँ पर कोई है नहीं,
इसीलिए कोशिश कीजिए कि जो जो टिप्स आपको दी गई है वो, और उसके साथ साथ आप कहीं से प्रॉपर सीख सके, आप जहाँ रहते हैं वहाँ से, या जो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा वो भी इम्प्लीमेंट कीजिए। अनुराग जी कुछ कहना चाहते हैं आपसे? नहीं, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं, वैसे शायद आप सब में सबसे ज़्यादा मैंने ही अभी तक कहा है। एक चीज़ मैं बताना ज़रूर चाहूँगा, कभी कभी क्या होता है कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है, अर्थ का अनर्थ, और हमें पता भी नहीं चलता है बिल्कुल कैसे हुआ है। और जैसे क्या होता है कि आपको जो है लाल रंग और हरे रंग में फ़र्क अगर करना हो तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर हल्के हरे रंग में और गाढ़े हरे रंग में फ़र्क करना हो तो थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो उसी तरह कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जो बड़े मिलते जुलते हैं लेकिन उनके मायने बड़े अलग हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि कल्ब कहते हैं, कल्ब होता है उर्दू का वर्ड, इसका मतलब होता है जिगर। कल्ब मतलब जिगर, यहाँ पर हमने का बोला, कल्ब का बाय एपिग्लॉटिस, शाहरुख खान। तो वो कल्ब अगर बोला हमने तो उसका मतलब होता है जिगर, लेकिन अगर वहीं पर कहना तो हम जिगर चाहते हैं लेकिन वहां पर हमने कल्ब कह दिया कल्ब, तो उसका मतलब पता है क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? नहीं बता? कुत्ता। ओह माय गॉड। अब आप समझ लीजिए कहां जिगर और कहां कुत्ता। ये एक बड़ी चीज हो गई। और एक एग्जांपल मैं और देना चाहूंगा, ये आप इन सारे वर्ड्स से बड़े ही फैमिलियर होंगे, लेकिन जैसे एक आपको लगता होगा नहीं यार मैं सही बोलता हूँ, जैसे जलील और जलील, जलील और जलील, हाँ जलील और जलील, तुम्हारे जैसा जलील आदमी मैंने नहीं देखा और तुम्हारे जैसा जलील आदमी मैंने नहीं देखा। बचपन का वाकया है कि मेरे शहर में अलाहाबाद, वहाँ पे एक मिस्त्री था और साइकिल वकिल बनाता था, उसने अपना नाम, उसका नाम जलील था, तो लिखा था जलील मिस्त्री। जलील मिस्त्री, जलील मिस्त्री, जलील मिस्त्री। तो अब उम्र रही होगी मेरी कुछ यही 12-15 साल का रहूँगा, मैंने कहा कितना भी अकूफ आदमी यार, खुद को ही जलील कह रहा है। उसके बाद जो है जब मुझे इल्म हुआ इस बात का कि जलील का मतलब क्या होता है, तो मैंने खुद को कोसा और उसको प्रणाम किया। जलील का मतलब होता है महान। अब सोचिए बिल्कुल आसपास है, मतलब कि जलील मतलब इतना गिरा हुआ आदमी और इतना महान आदमी, वो बिल्कुल अपोजिट है। तो जो अपोजिट है इसीलिए आपको मतलब अर्थ का अनर्थ यहीं पर हो जाता है। वो कहते हैं ना नुक्ता के, क्या कहते हैं ना, नुक्ता थोड़ा बदलने से मीनिंग बदल जाता है। जी हाँ। तो फिलहाल यहाँ पर थोड़ी सी गलती थी, वो जुदा नहीं होते, जुदा होते। आपसे क्लास लेंगे। ठीक है ठीक है, लेकिन चार्जेस मेरे होते हैं थोड़े, क्योंकि थोड़े मेरी भी दाल रोटी है सीखने के लिए, तो हमें जी मंजूर है, बिल्कुल तैयार हूँ। दोस्तों आप जब भी मुंबई आएंगे, पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप देख रहे हैं फ्रेम में कैमरा भी है, मैं भी हूं और हम चारों फ्रेम में हैं, क्योंकि इनको ये आए थे मुझसे मिलने के लिए, लेकिन मैंने दोस्तों फ़ायदा उठाया। क्यों फ़ायदा उठाया? आपके लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, कि जो चीज़ें एक बंद हॉल में हम तक पहुँचती है, हम डिस्कस करते हैं, वो चीज़ें आप तक भी पहुँचे, और अच्छा लगता है नेचुरल अनकट वीडियो बनाने में। सो जब भी आप मुंबई आएंगे तो ज़रूर उनसे आपकी मुलाकात मैं करके दूंगा। वैसे वो मतलब सिखाने के मूड में नहीं है, हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आइए सिखाइए, लेकिन वो अपने काम में बिजी है, थोड़ा सा वक्त का जी हुए, वक्त नहीं है उनके पास। नियत है कि लोग ट्रेंड हो, लेकिन वक्त मैनेज नहीं हो रहा है। नहीं, मैं ये चाहता हूँ सर कि जो भी आए, मतलब आप ये देखिए कि जो भी इंडस्ट्री में आता है, फिल्म इंडस्ट्री में आता है, कितने चैलेंजेस होते हैं उसके पास, मतलब अपने शायद कहीं अपने घर वालों को नाराज करता है, और उसके साथ पैसों की भी दिक्कत है, उसके साथ जो है एजुकेशनली भी थोड़ा सा वीक है। अगर इन सारी चीज़ों को चैलेंज करते हुए, मतलब इन सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए आ रहा है, तो पूरी तैयारी के साथ आए 100% कि जब वो आए कहीं खड़ा हो तो लोग बोले कि बॉस एक ये प्रोडक्ट है, perfect, ये कुछ है परफेक्ट। जैसे कि मतलब ये नहीं कि हाँ मतलब हाँ सीख लिया, आगे कर लिया यार, मतलब अच्छा। एक जो बड़ी भ्रांति बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में लोगों को है कि यार मतलब मैं अच्छा लग रहा हूँ यार, तो मतलब हीरो बन गया मैं, तो अधिकतर लोगों को यही लगता है कि लुक्स मेरा डिजर्विंग है, हाँ, तो हम कहीं भी तो भाई मेरे और बहन भी मेरी, मतलब कि ये मैं कहना चाहूँगा कि आप आइए, जरूर आइए, लेकिन तैयारी के साथ आइए,
ताकि जो है फिर वापस लौटने का कोई चक्कर नहीं हो। कोई बात नहीं, अगर तैयारी नहीं भी है तो आप अनुराग के पास नहीं नहीं आइए। ये आपकी डिक्शन, आपकी भाषा बिल्कुल परफेक्ट कर रही है। हाँ, बाकी सारी चीजें ये संभालेंगे मान्या जी। दोस्तों बहुत ऐसा लगता है कि ये वीडियो मैं स्टॉप ना करूँ, ये शूटिंग ऐसे ही चलता रहे। वान्या के बारे में मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छी पेंटर है और उन्होंने चोटी जो होती है ना, चोटी, लड़कियों की चोटी, वो उनका मेन सब्जेक्ट होता है, उस पर वो पेंटिंग बनाते। मैं तो उनका फ़ैन हूँ उनकी पेंटिंग का। थैंक यू सो मच। तो वान्या जी कभी मौका दीजिए हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी आपकी पेंटिंग देखने का। कोई आपका यूट्यूब चैनल होगा, कुछ होगा, है कुछ जहाँ पर आपके वीडियो से पब्लिकली नहीं शो किया है, बट जल्दी है मेरा भी प्लान कि मैं सबके सामने अपनी पेंटिंग लेकर आऊं। चलिए, हम सबकी दुआ है कि मतलब आपकी चोटी वाली जो पेंटिंग है चोटी तक पहुंचे, चोटी तक हिमालय की चोटी तक पहुंचे जी। और अनुराग को हम बोलते हैं शब्दों के जादूगर। नहीं सर, ये हिमालय की चोटी वाला जो उठाया ना उन्होंने, वो चीज है। नहीं, वो ख्याल आ गया एकदम से कि मैंने कहा मतलब बोलने के लिए फुटेज खाने की आदत है तो थोड़ा सा मतलब बिल्कुल शब्दों के जादूगर, शब्दों के जादूगर, देखो संजीवनी ने कुछ बोला नहीं है। संजीवनी महाराष्ट्रियन है और नागपुर से, संजीवनी आप राइट, तो आपकी हिंदी में वो लगता नहीं कि आप मराठी, मराठीपन नहीं लगता, तो आपने क्या काम किया खुद पर टू? एक्चुअली महाराष्ट्रियन होने से थोड़ा सा टोन तो लगता था, बट आफ्टर दैट नागपुर से हूँ तो वहाँ पे हर जगह थोड़ा हिंदी बोला जाता है और यहाँ पे भी कंटिन्यूसली, तो मैंने कंटिन्यू प्रैक्टिस करी है हिंदी की स्पेशली, बिकॉज मेरा सबसे वीक पॉइंट वही था कि मुझसे तो वर्ड्स भी सही तरीके से आते नहीं थे, मराठी बीच में आ जाता था। तो नाउ मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस कर ही रही हूँ और अभी भी मतलब इम्प्रोवाइजेशन चल ही रहा है। जैसे मैंने आपको कहा कि फिर और फिर में मुझे प्रॉब्लम था, तो वो भी मैंने इम्प्रोवाइज़ किया है। सो यही है नागपुर में तो मतलब विदर्भ जो होता है वहाँ पर कह रहे किधर जा रहा है, अभी देखो नहीं समझ में आता क्या, ऐसा कुछ है? ऐसा, हाँ ऐसा भी है, क्योंकि रेगुलर टोन में हम जितना मुंबई में मराठी यूज़ होता है उतना शायद नागपुर में नहीं होता है। वहाँ पे ज़्यादातर हिंदी ही चलता है ऑफिसेस में, यहाँ मैं तो ऑफिस में यूज़ करती थी हिंदी, और वैसे ही वहाँ से ही इम्प्रोवाइज हुई है मेरी हिंदी। तो आप लोग भी वैसे ही इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, और जहाँ तक अनुराग जी ने बताया है पूरे उनकी जितनी भी उन्होंने एक्सरसाइज बताई है तो वो सब भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और आपका भी इम्प्रोवाइजेशन होगा उससे, एंड यू कैन बिकम अ गुड एक्टर। और तीनों के बारे में मैं फिर से एक बार बताऊंगा, संजीवनी नागपुर से है, एक्टिंग में करियर करने के लिए वहाँ से आई है, और एक बात कहना चाहूँगी, नो वन कैन गो बैक एंड चेंज द बिगनिंग, बट एनी वन कैन स्टार्ट एनी थिंग एनी टाइम एंड क्रिएट सक्सेसफुल एंडिंग। मतलब सेलिब्रिटी होने के बाद का जो कोट है वो उन्होंने अवार्ड वाला अभी दे दिया। लेकिन दोस्तों सच में जो कुछ लड़कियां ये वीडियो देख रही है फीमेल, उनके लिए बताओ कि संजीवनी पेरेंट्स को उन्होंने कन्विंस किया है, कुछ समय लिया है करियर के लिए, आई सीखी, सीख रही है अभी भी, और कुछ सीरियल में भी काम किया, और बहुत डेडिकेशन हार्डवर्क के साथ, एक पैशन के साथ, एक गोल सेट करके वो दिन ब दिन आगे बढ़ रही है संजीवनी, वेरी गुड। उसके साथ अनुराग जी के बारे में तो मैंने बताया ही है, बस सर काफ़ी है मेरा उनके बारे में, मतलब और क्या बताऊँ मैं। लेकिन इज लाइक उन्होंने जो लाइफ में अप डाउन देखे और जिस तरीके से लाइफ को देखते हैं वो, जो पॉजिटिव एटीट्यूड है उनका, जैसे एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है वो, कभी बहुत बार तो मुझे इंस्पायर करता है उनका जर्नी, दैट्स ग्रेट सीरियसली। और वान्या के बारे में मैं स्पेशली बताऊँगा कि फैमिली है, फैमिली को कन्विंस किया उन्होंने भी कि मुझे करियर करना है, मुंबई आना है, काम करना है, फैमिली ने भी सपोर्ट किया। मैं विनय शाक्य लेट्स एक्ट का डायरेक्टर, आप सभी के फैमिली को थैंक्स करना चाहूँगा, क्योंकि आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट ना किया होता तो हमारी मुलाकात नहीं होती थी, आप लेट्स एक्ट में नहीं आते थे और हम नहीं मिलते थे। आप कुछ बोलना चाहती थी? जी सर ने सबकी तारीफ कर दी, लेकिन सर के बारे में मैं भी एक तारीफ करना चाहूँ, बल्कि तारीफ नहीं, ये बिल्कुल सच है कि सर जिस तरह से स्टूडेंट पे वर्क करते हैं इंडिविजुअली, किसी का साइकोलॉजी रीड करके, और ये मास्टर है इसमें, तो मैं इनको डॉक्टर ऑफ एक्टिंग भी कहती हूँ, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर लोगों में जो एक हेजिटेशन, एक नर्वसनेस होता है, या फिर जो
बहुत दिनों से एक इनहिबिशंस मतलब एक प्रॉब्लम को लेकर के वो इधर आते हैं, वो खुशी खुशी यहाँ से निकल के जाते हैं. तो एक बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तो मैं सर के साथ रह के बहुत कुछ सीखा है मैंने, एंड मेरी एक्टिंग भी इधर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है. तो सर के लिए मैं तो अरे थैंक यू सो मच. दोस्तों ऑनलाइन एक्टिंग ट्रेनिंग के ज़रिए मेरा मकसद, एक्टिंग इंस्टीट्यूट मेरी बहुत अच्छी चल रही है, सभी का सपोर्ट है, सभी बड़ों का आशीर्वाद है, लेकिन ये जो हम लोग कर रहे हैं अभी, इसमें मेरी एक ही सोच है कि जो कुछ एक्ट्रेस ने मुझे वीडियो भेजा आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, एक छोटा सा घर है जिस घर में मतलब टीन वगैरह है, लेकिन बंदे का ऑडिशन अगर आप देखेंगे, कड़क ऑडिशन, तो रियल टैलेंट गांव में छोटे छोटे शहरों में छुपा हुआ है और वो मुंबई तक नहीं पहुंच पाते. तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है इन वीडियोस के ज़रिए, मेरे यूट्यूब चैनल्स के ज़रिए, मेरे लेट्स एक्ट टीम के ज़रिए कुछ चीज़ें आप तक पहुंचाऊं, और वही मैं कर रहा हूं. आप में से किसी को लगता है कि लेट्स एक्ट ज्वाइन करना चाहिए, मुंबई में आके ट्रेनिंग लेना चाहिए, आप ज़रूर आइए, यू आर मोस्ट वेलकम. ट्रेनिंग की गारंटी मैं लेता हूँ, आपको प्रिपेयर करने की गारंटी मैं लेता हूँ, खुद पर काम करने की गारंटी आपको लेनी होगी कि मैं खुद पर काम करूँगा सीरियसनेस के साथ, एक गोल के साथ और एक डेडिकेशन के साथ, एक जुनून के साथ. बाकी हम लोग हैं, हम सब टीम है आपके लिए और बहुत कुछ करेंगे. दोस्तों बहुत सारी चीज़ें मैंने शेयर की है, तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए. फाइनली मेरे तीनों लाल हीरे डायमंड, उनसे मैं दरख्वास्त बराबर बोला सर, एक लाल सर तीन लाल नहीं है, एक लाल दो लाली. देखो शब्दों का जादूगर. उनसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरे सब्सक्राइबर्स को बोलो कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, नहीं जिन्होंने सब्सक्राइब किया उन्हें नहीं, जिन्होंने नहीं किया और जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें, अपने अंदाज में शब्दों के जादूगर कैसे बोलेंगे. आपने तो सोच में डाल दिया, मुझे लग रहा है कि आपने सोचा होगा आज तो उसको फंसाऊंगा. अब शायद कोई सब्सक्राइब नाम की चिड़िया जो होती है, समझिए वो उड़ने ना पाए. वाह है ना, तो उसको जो है आप फटाक से जैसे कहाँ, यही नीचे ही है ना कहीं आसपास, ये इसको जो है आप लॉक कर लीजिए, मतलब ताकि आपको हमेशा जो है अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती रहे यहाँ से जी. और लाइक तो ऐसे बनता है उसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि हमारी मेहनत जो है तभी हमको लगेगा कि साकार हुई जब हमें लाइक मिलेगा. मतलब अगर समझिए इस वीडियो को लाइक मिल गया तो हमें लाइफ मिल गई, बस यही है जी. आप कुछ कह रहे हैं जी, कुछ कहना चाहते हैं. मैं बोल रही थी जो इन्होंने बोला सब्सक्राइब